हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ब्राइटिकल। चलो तो आज हम जानेंगे किसी भी प्रोडक्ट का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं और उसे उसका बैकग्राउंड चेंज करने के बाद अट्रैक्टिव इमेज कैसे बनाएं और किस तरीके से उसको आप प्रॉपर इमेज एडिटिंग करके आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट है, तो हम देखते हैं कि ये बैकग्राउंड में प्रोडक्ट है। ये कुछ नॉर्मल सिंपल ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल डल डल टाइप, लेकिन जब आप उसको एडिटिंग में इस तरीके से कर देते हैं तो आपके प्रोडक्ट का एक ब्रांडिंग टाइप बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा लुक आता है। जैसे देख सकते हैं फ्लैट की कंपनी की है, लेकिन इसका जो लुक है इतना अच्छा खास दिख नहीं रहा, लेकिन यही हम बाटा वाले के देखते हैं तो बहुत अच्छी दिख रही है। सोशल मीडिया में जो है बैकग्राउंड चेंज करना है और उसे अट्रैक्टिव बनाना है ओनली वन क्लिक बाई AI। तो हम जो भी करेंगे AI करते हैं AI टूल पर, तो उसका AI टूल का नाम है एडोब फ्री फायर। तो हम ये एडोब फायरफ्लाई पर आ चुके हैं और इस पे जो कमाल की चीज़ है ये है कि अभी ये फ्री है और ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लॉन्च हुआ है एडोब फायरफ्लाई। तो हमें जो है सबसे पहले यहाँ पर देखो इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। टेस्ट टू इमेज मतलब आप एक करो और इमेज बन जाइए। जनरेटिव फील मतलब यहाँ से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट मतलब आप जब टेक्स्ट लिखेंगे तो इस तरीके से अलग अलग इफेक्ट में आएगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर जनरेटिव रिकॉलर मतलब यहाँ पर कलर ऑटो फिल कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट टू टेम्पलेट, टेक्स्ट लिखिए और टेम्पलेट तैयार हो जाएगी। टेक्स्ट टू वेक्टर ग्राफिक इस तरीके से ग्राफिक में ये जनरेट हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे टूल अभी फायरफ्लाई पर आने वाले हैं, तो इनसे जो है बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है कि फटाफट आपका काम हो जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है जनरेटिव फाइल पे और इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तो इस तरीके का आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर करना है आपको अपलोड, सिंपली अपलोड करने के बाद यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट ले लिया है और इसे हम यहाँ पर करेंगे सिंपली रिमूव बैकग्राउंड। तो हम इसे कर लेते हैं साइड में और यहाँ से करते हैं रिमूव बैकग्राउंड। तो देख सकते हैं रिमूव बैकग्राउंड एक क्लिक में हो गया, जिसमें आपको एक एक दो दो घंटे लगते हैं, वो एक क्लिक में आपका हो गया। और कितना आपका इसमें अमाउंट भी सेव हुआ, क्योंकि आप बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये तक के देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। सिंपली अब यहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड पीछे कलर चाहिए वो लिख देते हैं हम ब्लैक कलर। तो थोड़ा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट की जो इमेज है क्लियर नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर अच्छा कैमरा यूज़ करना है फोटो एडिटिंग के लिए, फ़ोटो पिकअप के लिए। और आपको जो भी अगर इस तरीके के टूल चाहिए सस्ते तो आप ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का इमेज बन गया है, जैसे देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर तैयार हो गया है। और आपकी जो प्रोडक्ट की इमेज है ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी, इसी से इसका इफेक्ट आता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जाना है यूट्यूब पर, मेरे को नीचे स्क्रॉल करना है और आप चाहें तो जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं उसके अंदर भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी। और सिंपली यहाँ पर से आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेंगे जो सबसे सस्ते अमेज़ोन पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो सबसे टिकाऊ है, जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने आपको देखे रखे हैं। तो यहाँ पर ई कॉमर्स स्टोर पर आपको दिखेगा लेनोवो आईपैड स्लिम लैपटॉप, जो कि आपको बहुत अच्छा सर्विस देगा। मैं भी इसी को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ कैनन की तरफ से आपको मिलेगा लेजर सूट LPP 2920 मोनो प्रिंटर, नॉर्मल प्रिंटर ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लेना चाहें, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं या प्रिंटर लेना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट प्रिंटर यही है। इसका कोई भी अदर कॉस्ट नहीं है, सिर्फ आपको फिलिंग करवाना पड़ती है। बाकी अगर आप कोई सा भी प्रिंटर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे खर्चे आते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और सिंपली अमेजोन पर चले जाएंगे और ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू अदर प्रिंटर, तो आप यहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। शायद अभी ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे बाय कर सकते हैं, ये आई थिंक 12 हज़ार के आसपास की प्राइस में आपको मिल जाएगा, 10 से 12 हज़ार रुपये की प्राइस के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना था डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर चाहिए, तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, 6 से 7 हज़ार रुपये का मात्र। फिर जो मैं कैमरा यूज़ करता हूँ कैनन EOS 3000D 18 मेगापिक्सल में सबसे सस्ते रेंज में ये अभी कैमरा कैनन का अवेलेबल है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 3499 रुपये इसमें अभी आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा वेट कर लें, जब आपके इसके ऊपर डिस्काउंट अभी लगेगा जब आप इसे खरीदें तो ये लगभग आपको 30 हज़ार के आसपास में मिल जाएगा, 30 से 31 हज़ार रुपये के आसपास में। और उसके बाद आप क्रेडिट वगैरह यूज़ करके और इसे कम में खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट एडिटिंग के लिए। तो मैं आप वेरी गुड, और इससे आपका कन्वर्जन बढ़ता है, ठीक है। तो आप भी अगर चाहें तो यहाँ से कैनन का कैमरा खरीद सकते हैं और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपने कौन सी चीज़ खरीदी है और आपके काम में आ रही है कि नहीं आ रही है। हालांकि ये मैं यूज़ कर रहा हूँ वही चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, इसलिए आपको जो भी यहाँ पर डालना है आप इजिली डाल सकते हैं। और आप यहाँ से कीप करके इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, इसे आपने क्लिक किया और यहाँ पर ये डाउनलोड होने लग गया। फिर देख पा रहे हैं आप यहाँ पर ये। सो अब हम देखेंगे दूसरा AI टूल जो कि अवेलेबल है आपके मोबाइल फ़ोन के ऐप में,
तो आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है लाइटेक्स। लाइटेक्स आपको सिंपली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, गूगल प्ले पे। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, उसमें साइन इन कर लेना है आपकी जीमेल आईडी से। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ओपन होगा। आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी ये फ्री है, बाद में पेड होना बिल्कुल होना ही होना है इसको, क्योंकि बहुत अच्छे फंक्शन दे रही है। तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना प्रोडक्ट अपलोड करना है और एक क्लिक में यहाँ पर आपका बैकग्राउंड रिमूव। उसके बाद ये आपको इतने तरीके के फ़ोटो दे देता है, ताकि जितने आप सोच भी नहीं सकते हैं। हर फोटो के नीचे आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से एडिटिंग में आपके फ़ोटो अवेलेबल हो गए हैं, और आप यहाँ से कोई सा भी क्लिक करके अपना सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमने एक यहाँ पर इसको देख लिया है, तो हमें ये अच्छा लग रहा है, लेकिन हम दूसरा देखेंगे। तो नहीं, हम इसी को ही कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो हम इसे का देख लेते हैं और यहाँ सिंपली इसको कंप्लीट देख लेते हैं कि प्रॉपर यहाँ पर ये हो गया है। तो इमेज का तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैमरे से आपको इमेज करना है, इसलिए थोड़ा ये ब्लर दिख रहा है, बाकी पीछे का जो बैकग्राउंड है पूरा क्लियर है। तो हम दूसरा भी एक चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो एक ये दूसरा यहाँ पर ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है यहाँ पर इस इमेज के अकॉर्डिंग। तो हम इसे कर लेते हैं, सिंपली हम इसे डाउनलोड करने का ऑप्शन भी देख लेते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। दूसरे भी ट्राई करके देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये इजीली दिखता है। तो इसमें ऐसा दिखता है और इस तरीके से इसमें इस तरीके का दिख रहा है। कुछ ब्रांडिंग टाइप में यहाँ पर शो होता है, न्यू और अलग अलग स्पेलिंग टाइप में लिखा हुआ आता है। इस तरीके से आपको अवेलेबल हो जाता है बहुत ही अच्छी। यहाँ पर नीचे हमें दिख रहा है लकड़ी के ऊपर चप्पल है, हम इसे कर लेते हैं, ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये।